दिस इज लेक्चर नंबर 5, एक्सरसाइज 7.3, पार्ट सेकंड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, 7.3 एक्सरसाइज। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट अस सपोज को मैं आई ले लेता हूँ, एंड दिस इज कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा एंड डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और हमने इसे इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे 2x 2 अल्फा और नीचे x और अल्फा, मतलब हाफ एंगल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड भी हैं, बट यहाँ पे मैं ये यूज करूँगा, आपके पास ये वाला फार्मूला होगा, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या ये फार्मूला आपको पता है कि cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि नीचे एंगल हाफ है, तो मैंने इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अगेन माइनस, ये यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और आप ब्रैकेट को क्लोज इसको ऑन कर दें, यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ तक अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मेरे पास, मेरे साथ कौन है रिस्पोंडेंट, कौन रिस्पोंडेंट है? तो कोई एक बच्चा रिस्पोंडेंट रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, तो बाकी भी बच्चे जो हैं बीच में पूछ सकते हैं, वो अनम्यूट होके पूछ लें, अगर आप ऐसे ना बैठे रहें। तो 2 cos square x माइनस 1, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस 2 cos square अल्फा बेटा और प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा और dx, और आप देखें माइनस 1 और 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ऊपर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, और मेरे पास बन गया cos square x माइनस cos square अल्फा और डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताएं। वन से वन कैंसिल हो गया, 2 cos square x और माइनस 2 cos square अल्फा बच गया था, 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो पहले ये बताएं कि मैं यहाँ पे येलो कलर यूज कर रहा हूँ, ये विजिबल है अच्छी तरीके से, कोई डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो जो न्यूमरेटर है क्या मैं फिर उसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा एंड मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस सॉरी माइनस कोस अल्फा और डी एक्स। और अगर आप ध्यान दें तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और ये कोस एक्स माइनस कोस अल्फा मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये आप डिवाइड इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोज एक्स प्लस कोज अल्फा और डीएक्स, और फिर आप इसको सेपरेट कर लो, 2 इंटीग्रेशन कोज एक्स इंटू डीएक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आप देखें कि जो कोज है ना, यहाँ पे जो कोज है इसे भी आप जो है ना कोज अल्फा को आप कोज अल्फा को भी आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोज अल्फा है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास 2 कोज एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स प्लस 2 कोज अल्फा एज इट इज और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी, सी यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, तो मैंने सिंगल एक सी लिख दिया। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताएं, ये तो फिर नेक्स्ट चलें। एनीबॉडी,
क्लास में जो भी बच्चा है, अगर आपको किसी को भी पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे पूछ लें अभी भी। तो ठीक है, फिर किसी ने पूछा, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कॉस 2x प्लस 2 sin² x एंड डिवाइडेड बाई cos² x। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। cos² x प्लस 2 sin² x डिवाइडेड बाई cos² x। तो देखने में ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमारे पास cos² x की वैल्यू क्या रहती है, 1 माइनस 2 sin² x। क्या ये वैल्यू होती है, cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² x। तो यहाँ यस पे जो cos² x है, मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस 2 sin² x, और आगे है प्लस 2 sin² x और डिवाइडेड बाई cos² x dx। अब ध्यान दें, -2 sin² x प्लस 2 sin² x ये कैंसिल हो जा रहा, और मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन cos² x dx। अगेन आप देखें, 1 अपॉन cos² x किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स sec² dx। और sec² x एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, एक्स tan x प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, और यहाँ पे देखिए कैसे कैसे स्टेप ले जा रहे हैं। तो साइन एक्स डिनोमिनेटर में है और cos³x। तो इस क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में देखो, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है जब बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी एक टर्म को आप पुट करें, उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाता है, तो फिर आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है, कोई कोज एक्स को अगर हम इंटीग्रेट सॉरी डिफ्रिशिएट करें तो साइन एक्स आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये साइन एक्स क्या है, आपका डिनोमिनेटर में है। अगर ये न्यूमिनेटर में होता तब आप यहाँ पे कोज एक्स को पुट कर सकते थे, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर उनको कोस की पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, साइन एक्स cos³x और डिवाइडेड बाई cos⁴x। बात समझ आई, मैंने कोई ज्वाइन कर रहा है, कौन ज्वाइन कर रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, अब नहीं ज्वाइन हो गया, तो पहले बोल रहा था। तो ये समझ आया, मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर को cos⁴x से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर भी cos⁴x से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये देखिए, क्या मैं न्यूमिनेटर में ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए sec⁴x। बेटा पीछे ना साउंड ना आए आपकी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और ये आपका यूट्यूब पे अपलोड भी होगा। तो नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए cos³ था बेटा, अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ cos³ है और यहाँ पे कितना cos⁴ है, ये अपन में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे sin x अपॉन cos⁴x है, तो ये 4 कट गया, 1 बच गया। तो आई थिंक यहाँ पे क्या बचेगा, एनएक्स tan x। ओके, तो sec⁴x, फिर sec⁴x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिख दूं, sec² sec²। यस सर, हाँ, अब इसका फायदा क्या होगा, देखो मैंने शुरू में कहा कि हमें ढूंढना होता है
कोशिश हमारी ये होती है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन मिल जाए हमें। अब यहाँ पे देखो, अगर टेन एक्स को मैं पुट करता हूँ तो क्या मेरे पास ऊपर सीकेंट स्क्वायर है डेरिवेटिव? बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक और सीकेंट स्क्वायर है, तो यस ये सर जो ये सीकेंट स्क्वायर है इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं टेन में, तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ टी इज इक्वल टू टेन एक्स, ध्यान दे सभी, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर कोई प्रॉब्लम अपॉन बेटा टी, और जो सीकेंट स्क्वायर डी एक्स है वो बन गया डी टी, तो पूरा क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया टी में। और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी दैट इज टी और डी टी, फिर आप इसे आप सेपरेट कर लें 1 अपॉन टी डी टी इंटीग्रेशन टी डी टी, तो 1 अपॉन टी डी टी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टू एन प्लस सी। ओके तो दिस इज योर आंसर, और आपने टी जो पुट किया इसको रीपुट कर दें, तो हमने टी को क्या पुट किया था टेन टेन एक्स, ये आ गया प्लस यहाँ पे 1/2 बाद पहले लिख लो, तो ये आ गया जी टेन स्क्वायर एक्स सी, तो दिस इज योर आंसर। है कोई किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x - a मल्टीप्लाई बाई cos x - b, और आपने इसे इंटीग्रेट करना है। अब ये कुछ क्वेश्चन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन आपको टिपिकल मिलेंगे और वहां पे आपको आसानी से ना तो कोई फार्मूला बनता नजर आएगा और ना ही आपको कोई सब्स्टिट्यूशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कोज है, यहाँ कोज है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ साइन ए माइनस बी से, और उसी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन ए माइनस बी से। अब क्योंकि साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट नंबर है, क्या ये कांस्टेंट नंबर है, क्या आप समझते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहाँ पे कौन है, एक्स है, और ए और बी हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ए माइनस बी एक कांस्टेंट नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया और कांस्टेंट नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे ये जो कांस्टेंट नंबर हमने लिखा है साइन ए माइनस बी, ये हमें ए को फंक्शन दे देगा। देखो क्या फंक्शन देगा, हमने बेटा ढूंढना सब्स्टिट्यूशन, तो अब नीचे जैसे कोज है तो मुझे ऊपर, अगर मैं कोज एक्स माइनस ए को पुट करता हूं तो मुझे साइन चाहिए, तो मैं इसलिए ऊपर ये साइन लेके आ रहा हूं। तो अब मैं साइन ए माइनस बी को लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस बी और माइनस साइन एक्स माइनस ए, ये मैंने अपनी मर्जी से इसे रीअरेंज करके लिखा है। अब क्यों लिखा है ये थोड़ा आप अभी देखेंगे, कोज एक्स माइनस ए कोज एक्स माइनस बी। अब ध्यान दे, ये जो नहीं सॉरी यहाँ गड़बड़ करती हूँ, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई। अब देखिए ठीक है, अब चेक करें, ये देखें
मैंने साइन लिखा और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी। आप इस माइनस को ओपन करें, मतलब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करें, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये ए प्लस का हो जाएगा, बी यहाँ माइनस का। तो ये जो पीछे वाली टर्म है साइन एक्स साइन ए माइनस बी, ये सेम थिंग है। लेकिन ऐसा मुझे करना क्यों पड़ा, क्योंकि नीचे देखिए एंगल है एक्स माइनस ए और एंगल है एक्स माइनस बी। मैंने देखो एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए एंगल लेकर आ गया। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि जो आपको रिक्वायर है वो भी आपने लेके चलना है और जो आपने पीछे पुट किया है वो भी आपका वही रहना चाहिए। तो यहां तक कोई डाउट है? इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको वो आएंगे प्रैक्टिस से, तो आपने प्रैक्टिस इसकी करनी हो। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहा है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला पढ़ रहा है बेटा। दिस इज होल ए, दिस इज होल बी। तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए एंड साइन बी। याद है आपको 11th क्लास में पढ़ा कि साइन ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहीं पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे ए कौन है एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, आगे माइनस फिर कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए। तो मेरे पास अपॉन में एज इट इज जो हमारे पास पीछे है, क्या है हमारे पास पीछे कोज एक्स माइनस ए एंड कोज एक्स माइनस बी। ठीक है जी, अब आप देखें यहां पे आ गया साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ऊपर दो टर्म्स बन की हैं, तो फर्स्ट टर्म के नीचे भी ये वाला डिनोमिनेटर आ जाएगा और सेकंड में भी, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर कैंसिल होता है तो मैं कैंसिल भी कर रहा हूँ। अब पहले वाले की बात करते हैं, यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी है और यहाँ पे कोज एक्स एक्स माइनस बी है, बट यहाँ पे ऊपर देखिए कोज एक्स माइनस है और नीचे भी कोज एक्स माइनस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपके पास बचेगा साइन एक्स माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई कोज एक्स माइनस बी, समझ आया, माइनस सेकेंड पार्ट। जब हम कोज एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए के अपॉन में ये डिनोमिनेटर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो कोज एक्स माइनस बी और नीचे भी कोज एक्स माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा साइन एक्स माइनस ए और डिनोमिनेटर हो जाएगा कोज एक्स माइनस ए। ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दें, ये डी एक्स आ गया। ये देखिए यहां तक किसी को डाउट है तो बताएंगे। हाँ जी, एनी बॉडी साइन ए माइनस बी, इसे यहाँ पे अब मैं एक और ब्रैकेट लगा रहा हूँ और अंदर इंटीग्रेशन अलग अलग लिख रहा हूँ। देखिए साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस ए डी एक्स और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहां तक बताएं जी, किसी को डाउट है? ठीक है, एनीबॉडी? नो सर। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देना, आप अपॉन आ गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है कोस का इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस होता है, याद है आपको। अगर मैं यहां पे देखिए, अगर मैं इस कोस को टी पुट करता हूं तो मेरे पास क्या ऊपर साइन है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पे माइनस चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां माइनस लिख रहा हूं और बाहर माइनस लिख रहा हूं, ऐसा कर सकता हूं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये जो पहले वाला पार्ट है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं?
क्योंकि ये बन गया टी, ऊपर बन गया डी टी, तो लॉग टी, लॉग टी क्या कॉज एक्स माइनस बी। बट क्योंकि यहाँ माइनस आपने अपनी मर्जी से लगाया था, क्योंकि आपको डेरिवेटिव में माइनस चाहिए, तो माइनस नहीं था, आपने अंदर एक माइनस लगा दिया, एक बाहर लगा दिया, ये वाला तो डेरिवेटिव में चला गया, यहाँ पे माइनस आ गया। आगे सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला देखिए, आगे है जी माइनस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए बंद ए मॉडुलस और प्लस सी। यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। अब हमारे पास बचा वन अपॉन साइन ए माइनस बी, और हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, तो आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये होती है जी लॉग एम अपॉन एन, याद है आपको लॉग एम माइनस लॉग एन, इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन एन। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये प्लस वाली टर्म है, यहाँ पे देखिए ये प्लस वाली टर्म है, इसे पहले लिखूंगा लॉग मॉड, तो इसका ये एम पहले आ जाएगा ऊपर कॉस एक्स माइनस ए, और डिवाइडेड बाई जो माइनस टर्म है, माइनस टर्म कौन है ये वाली, तो इसका कॉस जो है वो आएगा कॉस एक्स माइनस बी मॉडुलस प्लस सी। दिस इज आंसर। तो समझ आया बेटा? यस सर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद इसकी एक एग्जांपल भी है, वो तो सेम क्वेश्चन है सर, इसको हम टैन भी कर सकते सर? कर सकते थे आप, टैन भी कर सकते हो, लेकिन तब भी तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। सर सेक में आ जाएगा फिर आंसर? हाँ जी सर, फिर आंसर आ जाएगा ना लोग सेक? हाँ लोग सेक भी आ सकते हैं, बट आपको फिर भी तो अपॉन में करना पड़ेगा। यस सर। तब भी तो आपको यहाँ पे आप ये साइन वाला कोज है, आप यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन को आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे मेथड है, आप इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसको टैन एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा लॉग मॉड सेकंड एक्स माइनस बी। सिमिलरली आपके पास ये आएगा, इसका भी ऐसे आ जाएगा, फिर उसको आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके फिर आपको आंसर यही निकालना पड़ेगा। yes, लेकिन उसमें ये आएगा, उसमें सेकंड आ जाएगा, उसमें एक्स माइनस बी ऊपर आ जाएगा और एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। yes, ठीक है, तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपने कर लेने हैं।